मंदिर जाकर बैठ जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, वो आती है मैं आऊँ, ठीक है? ओके बाय। ओहो, ये सासु जी माँ कितनी देर के मंदिर गई है, सुबह 5 बजे ही गई और 9 बजे अभी तक आने का नाम नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है। ओहो मम्मी जी जल्दी आ गई, मुझे पिकनिक पे जाना है, कितनी देर लग रही थी आप ना। ओहो देखो कौन भी आ गया। हेलो, हाँ सारी सहेली आ गई। ओहो स्टार बज रहा, स्टार हो रहा है, बज ही लग रही थी। अच्छा ठीक है, अरे मम्मी जी की आवाज आ गई, देखो आ गई है। अरे मम्मी जी जल्दी आ जाओ। ए बच्चों जरा नींद ना, आपको पकड़ लो, घर पे जीना ना चढ़ा जाता। ओहो पूरे जंगल में घूम आएंगी मगर घर आके पैर नहीं कर पाएंगे तो चढ़ा भी जाएगा आगे बताओ। अरे अब ये तो बताओ कि तुम मंदिर जा रही हो या ना।
ये तो बहुत ये बोला मैं देख सुबह सुबह ले जाने ही भूल गई। अब जब ले जाना मैं ले जाने ही भूल गई चढ़ाई ना तो तुम ले जा मेरी बहू लगी मंदिर में चढ़ा दी हो। मैं आपसे यही तो कहने आई थी कि ये फिटी है और मेरा पंचवटी टाइम निकला जा रहा है ओ मेरे को अब जल्दी जाना है। ये भी ना जाएंगे मंदिर इन्हें भी मंदिर से ही परहेज है धर्म से ना सबको परहेज हो गया क्योंकि आधुनिक हो गई। चलो भैया बुढ़िया के हिस्से है बोला बुढ़िया ही चढ़ाई थी तुमको। अच्छा मम्मी जी मैंने ना दाल चावल बना के रख दिए हैं बच्चे स्कूल से आएंगे प्लीज आप दे देना। अच्छा अब प्लीज अब देने पड़ेगा पोता पोती को मैं भूखा मारूंगी उन्हें तो दूंगी खाने को। और वो जो तुम्हारे मियाँ जी उन्होंने सिर पे चढ़ाया उन्होंने धरा तुम्हें खोपड़े थे उनका बताओ वो क्या खाएंगे वो लकड़ी पत्थर क्या खाएंगे तुम वो तो बताओ। अरे मम्मी जी आप ना उनकी टेंशन मत लो। अच्छा उनको मैं फोन कर दूंगी वो आज कैंटीन में ही लंच कर लेंगे। वो कैंटीन में ही लंच कर रहे हैं आप ना प्लीज बच्चे को दे दे दूंगी बेटा दे दूंगी। हाँ ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः
सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चमकी बाबू। अरे ले भैया ये भी कुछ किस्सा ले आई, ये ना जीने दे बिना कुछ ऐसा, इनके पास तो किस्सों के किस्से हैं। ये किटी बाई नहीं करेगी, ये गुलाबबाजी करेगी, अब रोने आएंगी। कैसा सुंदर हार पप्पी जी, ये आपके लिए है। अरे
मेरी बहू, तेरा बेटा अब तेरा कितने काम आ रहा है, हैं? तेरे काम तो काम नहीं बाबूजी, ये तो आपकी अच्छी बात का फल है। नहीं बच्चे, लेकिन तुमने इतने पैसे क्यों डालोगे इस पर? खाली खास बता क्यों डालोगे इसमें पैसे इतने? आपको पता नहीं इस पर आपके 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। अरे ये सब तेरे धर्म का प्रभाव है, वो आपके लिए ना है ये। तुमने बहुत उसमें पूजा में पड़ा होगा, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, तो ये 50,00,000 रुपए पूजा का फल है। नहीं मम्मी जी, ये आपकी संस्कारों का फल है जो आपने अपने बच्चों को दिए हैं। अच्छा मम्मी जी। हाँ बेटा, आप रथयात्रा में हमारी तरफ यही बैठ के चलेगी। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। भाभी देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है। मम्मी जी आप रख लीजिए। अच्छा मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना लगा के लाती हूँ। बच्चों का ले बहू, मैं तो बस मम्मी जी पहले खाना लगा रहा। अच्छा ठीक है। अरे मम्मी जी, एक छोटी और बतानी थी आज आपको। हाँ हाँ बताओ। पता ही मुझे पता लगा है 31 दिसंबर को अपने रामपुर से शिखर जी के लिए ट्रेन जा रही है। अच्छा तो तुम जाओ क्या? मम्मी जी मैं कहते टिकट भी बुक करा दी है। अच्छा बहुत अच्छा, दे प्लानिंग में तो शिखर जी की झोली लेके जाऊँ सारे मेरे को, फिर कभी तो भगवान जी बुला लेंगे मुझे। अरे अपनी जिठानियों से पूछ ले, इन पे फुर्सत है भी ना। भाभी जी चलेगी ना आप लोग? Thank you.